हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज आपको करवाऊंगा केमिस्ट्री फुल प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करवा दिया, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस पर क्लिक करके आप वो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और देखें कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 करवा रहा हूँ और आपको बता दूँ कि कल से आपको कॉन्सेप्ट क्लास और रिवीजन क्लास टॉपिक वाइज आपको व्हाइट बोर्ड पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरा सेटअप तैयार हो गया है। कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको संडे और सैटरडे, यानी कि संडे को और सैटरडे को फुल टेस्ट करवाऊंगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लगभग 20 आपको फुल मॉक टेस्ट करवा दूंगा केमिस्ट्री के, और आपको टॉपिक वाइज और आपके कॉन्सेप्ट क्लास रेगुलर चलती रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली 25 क्लास के होंगी, आपका पूरा जो केमिस्ट्री है एंड हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लगभग 20 में से 17-18 क्वेश्चन हर हाल में कर देंगे अगर आप मेरे से पढ़ेंगे और मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन से है, आप देखिए और अपने आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं जब आपसे होता है तब आप मैं जो आंसर बताऊंगा उसको देखिए। पहले आप अपने से ट्राई कीजिए और जो भी आपका रहता है, कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, जिप्सम बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है CaSO4 × ½H2O। एक फार्मूला और होता है CaSO4 का होल ट्वाइस और फिर लिखा जाता है H2O। तो ये दो फार्मूले होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो ए होता है CaSO4 × 2H2O। और आपको पता होना चाहिए जिप्सम का प्रयोग किस में किया जाता है, जब छतें और दीवारें जो भवन वगैरह बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है, ताकि उसमें दरारें उत्पन्न ना हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जल के अणु में ऑक्सीजन है। ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब संकरण से क्वेश्चन आया है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लास में, कि हाइब्रिडाइजेशन करके टॉपिक रहेगा। तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा, आयन का बताऊंगा, ऐसे भी बताऊंगा। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है Z = लोन पेयर और प्लस सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड उनको कह दीजिए, प्लस एस, ऐसे लिखा जाता है। इसको बोर्ड पर समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला है इसका, एक और भी होता है Z = उसमें लिखा जाता है हाफ। इधर लिखा जाता है कि सेंट्रल जो मेटल एटम है उसके बाह्य कोष में, यानी कि उसके जो बैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो होता है, मतलब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद कितने हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के। और प्लस फिर उसके बाद में लिखा जाता है जो उसको सराउंड किए हैं, जो सेंट्रल मेटल आइटम को जो आसपास के एलिमेंट जो सराउंड किए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो उधर लिखा जाता है। इसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए आप, H2O का फार्मूला होता है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल आइटम है, तो इसमें क्या होगा, इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में इसको दो हाइड्रोजन के दो जो हैं अणु हैं, जो एटम है, मतलब हाइड्रोजन जो है इसको सराउंड किए हैं दो अणुओं से, तो इसमें दो और जोड़ देंगे। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 को कर देंगे 2 से डिवाइड, हो जाएगा 4। 4 का मतलब होगा एक एस है 3 पी है, यानी sp3 इसका संकरण जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करवा दूंगा, आप आराम से हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेंगे, और साथ ही साथ में उसका शेप और सब कुछ आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट को की बोतलों को भूरे रंग में क्यों रखा जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर आपका AgNO3 रखा रहता है वो हर ज़्यादातर आपको भूरे रंग की बोतल में मिलेगा, व्हाइट में नहीं मिलता है, क्योंकि अगर व्हाइट में रखेंगे तो प्रकाश जो लाइट होती है वो उसके अंदर पहुँच जाएगी, वो उससे रिएक्शन कर लेगी। तो इसीलिए क्या होता है, उस भूरे रंग में प्रकाश प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए भूरे रंग की बोतल में उसको रखते हैं। ये तो आप सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अभिकर्मक जिसके साथ एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं तो वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे, RMGX क्या होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है, इसको आप याद कर लेना। R यहाँ पर एल्किल या एरिल समूह होता है, X हमारे पास हैलाइड होता है, और MG यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। और हमारे जो सिप और फेलिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो सिप अभिकर्मक लिखा फेलिंग अभिकर्मक लिखा, ये हमारे एल्डिहाइड से एक क्रिया करते हैं। इनके बारे में भी आपको बड़ा अच्छे से समझा दूंगा कॉन्सेप्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, आपको पता होना चाहिए। 3-4 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एक होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, यानी 4 अभिक्रियाएँ होती हैं। और जो उसका वेग स्थिरांक जो के होता है वो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है,
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है, इसको मैं कॉन्सेप्ट क्लास में करवा दूंगा। फार्मूला होता है K=2, फार्मूला क्या है मतलब प्रोपोर्शन, के प्रोपोर्शन होता है e^ लैम्डा टी करके कुछ होता है, तो ए वाला जो टी होता है इसके प्रोपोर्शन है, यानी कि जो वेग स्थिरांक है टी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी मतलब जितनी भी आप अभिक्रिया ले लेना, चाहे प्रथम कोटि की हो चाहे द्वितीय कोटि की हो, उसमें जो टी होता है यानी कि जो वेग स्थिरांक है वो टी के ऊपर निर्भर करता ही करता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, परमाणु कक्ष के बाद पूछा गया है कि जो परमाणु कक्ष क्या होता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा संभावना होती है इलेक्ट्रॉन पाने की, वही परमाणु कक्ष होता है। अब मैं अगर आगे बात करूँ तो आप देखिए इसमें लिखा है कि क्लोरीन के अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता क्लोरीन 17 Cl होता है, तो इसको लास्ट में करेंगे तो आप कितने निकालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, अंतिम ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि आवर्त तालिका के तीसरे पीरियड, यानी कि 7 पीरियड आपने आवर्त तालिका में पढ़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो तीसरे पीरियड में कितने तत्व हैं, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे भी कुछ लोग तरीका बताते हैं, पर ये तरीका ठीक नहीं है, बस शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो आपको काउंट करना भी आना चाहिए। तो जो तीसरा पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 8 होते हैं, तीसरे पीरियड में क्या होते हैं 8 तत्व होते हैं। कल मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की थी उसकी पीरियाडिक टेबल की, और साथ में जो रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, तो आप उनको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो जो तीसरे पीरियड में जो कितने तत्व होते हैं 8 होते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि आप इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका होता जो मैंने आपको बताया है वो कुछ लोग याद कर लेते हैं, जैसे 2, 8, फिर 8, फिर 18 और फिर 18, ऐसे करके याद कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीका सही है, लेकिन आपको अगर कैलकुलेट करना आता है तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप इससे याद कर सकते हो 2, 8, 8, 18 से, ठीक है। तो पहले में केवल 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 एलिमेंट मिलेंगे, पीरियड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, और फिर आपको 18, 18 मिलेंगे, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ये भी बड़ा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ अगर मैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जो पीरियड में कितने हैं एलिमेंट 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा, तो ये पूछ रहा है कि किसी परमाणु के nth ऑर्बिट में अधिकतम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 2^n² हो सकते हैं, आपको ने पढ़ा होगा 2^n² अधिकतम, प्रथम कोश में 2, फिर उसके बाद 8, जो भी मैंने अभी जस्ट अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया 2, 8, 18 वाला, वो इसी पर आधारित एक तरीके से समझ लीजिए, उसमें भी 2, 8, 18, इसमें पहले में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में कितना जाएगा 18, ठीक है, तो वो इस कॉन्सेप्ट पर भी आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पूछ रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क होता है एल्युमिनियम का, बॉक्साइट से ही हम लोग क्या आते हैं L2O3, फिर एलमुना बनता है, फिर एलमुना से एल्युमिनियम बनती है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से, निम्न में से कौन आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, तो आइडोफार्म जो परीक्षण होता है वो पेंटेनॉल नहीं देता है, बाकी सभी आइडोफार्म परीक्षण देते हैं। तो आइडोफार्म परीक्षण का मतलब क्या होता है, तो आइडोफार्म में ऐसा होता है कि मतलब कोई भी आपके पास एक अननोन पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अल्कोहल के साथ कार्बोनिल यौगिक है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग आइडोफार्म परीक्षण करते हैं। तो आइडोफार्म परीक्षण हमारा एसीटोन, डाइमेकीटोन दे देता है और एथिल अल्कोहल दे देता है, पर 2-पेंटेनॉल नहीं देता है। ये क्वेश्चंस मैंने कल पोस्ट किए थे कम्युनिटी पर, तो आप लोगों ने बहुत, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों की केमिस्ट्री बहुत वीक है, मैक्सिमम आंसर आप लोग गलत ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं जेड एनर्जी अमलगम होता है, और अमलगम केवल आयरन नहीं बनाता है, क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है, आप देख लेना। और पूछ रहा है कि कीटोन के उपचयन को कहते हैं, मतलब जब भी आपको अमलगम के साथ HCl मिले तो क्लेमेंसन उपचयन होता है, अब अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण भी, किसी उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सा बेनेडिक्ट विलेन के साथ गर्म करने पर CO2 का लाल अवक्षेप नहीं देता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वो सुक्रोज होता है जो कि लाल अवक्षेप नहीं देता है, जो सुक्रोज आप देख रहे हैं ये जो होता है CO2 का लाल अवक्षेप नहीं देता है, अगर हम इसको बेनेडिक्ट विलेन के साथ में गर्म कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई बेनेडिक्ट विलेन क्या होता है, तो जो बेनेडिक्ट विलेन होता है इसके बारे में अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज है या नहीं, इस चीज़ के लिए इसको चेक करते हैं। अगर हमारा यूरिन मतलब जो यूरिन होता है अगर उसमें ग्लूकोज होगा तो हमको लाल जो होता है लाल रंग मिलेगा, लाल रंग कैसे मिलेगा आपको बता दूँ कि जैसे कि जब यूरिन को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ में या फिर कैल्शियम सल्फेट के साथ में कैल्शियम सल्फेट सल्फेट का जो नीला विलेन होता है उसके साथ गर्म करते हैं, अगर उसमें ग्लूकोज होता है तो वो हमें लाल रंग का कलर दे देता है।
तो वही बेनेडिक्ट विलियन के साथ गर्म करने पर सीटों का लाल अपक्षेप नहीं देता, तो सुक्रोज जो होता है लाल अपक्षेप नहीं देता बल्कि ग्लूकोज जो होता है लाल अपक्षेप देता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से मिश्र धातु में क्रोमियम पाया जाता है, तो क्रोमियम पाया जाता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, क्योंकि जो स्टील होती है अगर उसमें क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। और आपको पता है जो क्रोमियम होता है, आपने नाइक्रोम भी पढ़ा होता है, नाइक्रोम में भी क्रोमियम मिला होता है, जो कि एक विद्युत धारा जो होती है जो बहती है बहुत अच्छी चालक होता है, क्रोमियम विद्युत धारा का एक अच्छा चालक भी है, तो आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए कि जिसमें जो पीतल है भी एक मिश्र धातु है। ओके नेक्स्ट, आप बड़े प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयन कौन सा है, प्रबलतम ध्रुवण क्षमता, अब ध्रुवण क्षमता ले लीजिए यानी कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजेशन पावर हो या कैपेसिटी हो, एक ही चीज़ है किसकी होती है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिसका आकार सबसे छोटा होता है और जिस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। मतलब पहली बात क्या है, उसका आकार छोटा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एल आई पॉजिटिव, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है इन ऑप्शन में से, उसका आकार छोटा होना चाहिए और उस पर चार्ज भी जो होना चाहिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दो कंडीशन हैं। तो पहले कंडीशन हम लोग सबसे पहली कंडीशन यही देखेंगे, उसका आकार छोटा है या नहीं, अगर आकार छोटा है तो ये आंसर हो जाएगा। धनायनों के लिए मैंने बात की, और इसका तरीका मैं आप पहले सबसे बता दूं कि जो जो हमारा ध्रुवण होता है क्या होता है, तो इसकी अगर बात करेंगे तो देखिए ऐसा होता है कि जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन को ख़त्म करने के लिए धनायन की आवश्यकता पड़ती है, जब ऋणायन और धनायन यानी कि कैटायन और एनायन मिल जाएंगे तो विकृति हो जाएगी, यानी कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धनायन एनायन मिलेंगे तो ख़त्म तो हो ही जाएंगे, तो वही जो विकृति होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा ध्रुवण हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है। तो जो ऋणायन होता है, ऋणायन का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको ध्रुवीकृत करना उतना ही आसान हो जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऋणायन होगा उसका आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ी जल्दी से ध्रुवीकृत हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से करा देंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवित यौगिक है या मान लीजिए ध्रुवित यौगिक नहीं है, तो आपको आराम से वहाँ पर करवा दिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा एलआई पॉजिटिव। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप एक ही याद कर लीजिए, जिसका आकार छोटा हो और जिसपे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखिए यार एक समझिए, बी देखिए एलआई का क्या होता है कि अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो आकार घटता है, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। तो देखिए ये तो नीचे होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा, इसका भी एल आई से ये भी ऊपर नीचे होता है और ये भी नीचे, तो इनका आकार बड़ा हो जाएगा, एल आई का आकार सबसे कम है, इसीलिए इसकी ध्रुवण क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सबसे ध्रुवण क्षमता, अगर मैं कहूँ कि सबसे ध्रुवण क्षमता किसकी कम हो जाएगी तो किसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा बड़ा आकार आप देख सकते हैं इसमें किसका है, सबसे ज़्यादा बड़ा आकार आप चूज कर लीजिए किसका है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा आकार की बात करूँ तो उसमें सी एस आ रहा है, इसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा है क्योंकि सबसे नीचे पाया जाता है सीजियम, बेरियम भी शायद ऊपर ही है और कैल्शियम भी शायद ऊपर ही है, तो एक बार इसको देख लेना क्योंकि मुझे भी इतना टाइम याद नहीं आ रहा। तो जिसका आकार सबसे बड़ा हो जाएगा उसकी ध्रुवण क्षमता सबसे कम हो जाएगी, जिसका आकार सबसे छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये न्यूमेरिकल इसमें दे दिया है कि 10 आयतन हाइड्रोजन परऑक्साइड की शक्ति होती है, 10 आयतन हाइड्रोजन परऑक्साइड की शक्ति होती है, तो इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा यहाँ से, जब वॉल्यूम कैलकुलेट करके तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल है। इसको पता कैसे किया जाता है, इसको किया जाता है 30 × 100, क्योंकि यहाँ पर 10 आयतन दे रखा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए वैल्यू 30 रखी जाती है, बटे 100 करके किया जाता है, तो 3 आंसर इसका निकल के आता है, 3%। तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर याद कर लीजिए, 3% इसका आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस दो तरीके बताऊंगा लुईस एसिड। देखिए लुईस एसिड अगर आपको जानना है तो जो आयन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं लुईस एसिड, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो होते हैं लुईस बेस। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो इनमें कैसे आप पहचानेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एगो यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट कर लेता है वो होता है लुईस एसिड, यानी कि जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन युग्म को वो होता है लुईस एसिड, और जो डोनेट करता है वो होता है लुईस बेस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास BF3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास लुईस बेस हैं। ओके बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि जब बोर्ड पे समझाऊंगा तो वो बात ही कुछ अलग होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी का जो डिक्रीजेस ऑर्डर है वो क्या होता है, तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, Cl की होती है। ठीक है वैसे आप कहोगे यार इलेक्ट्रॉन बंधुता Fe की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, F की नहीं होती, Cl की होती है, Cl के बाद F आता, तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, ClFVRI। आपने पढ़ा होगा अगर पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है यानी कि जो आकार होता है वो क्या होता है, घटता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, उसी प्रकार जब ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं
तो इलेक्ट्रॉन बनता क्या होती है, कम होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन बनता कम होने के लिए पहले F आता है फिर Cl आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन बनता अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होती है, Cl की। तो Cl ऊपर होगा फिर F आएगा फिर Br आएगा, तो ये आंसर इसका आंसर राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लास में सब क्लियर हो जाएगा, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौन सा अंतरा हाइलोजन है। तो अंतरा हाइलोजन आपको बता दूँ, अंतरा हाइलोजन का मीनिंग ये होता है कि उसमें हाइलोजन होने से, दो या दो से अगर अधिक हाइलोजन हैं और वो भी अलग अलग हैं, तो वो अंतरा हाइलोजन होते हैं और उनके साथ कोई दूसरा यौगिक ना लगा, सॉरी यौगिक मतलब दूसरा एटम ना उनके साथ में हो। तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हाइलोजन हैं अलग अलग हैं और इनके साथ कोई दूसरा एटम नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 20 में से और कितने आपके मार्क्स बने हैं। माइनस मार्किंग भी आप ऐड कर लेना ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। माइनस मार्किंग ऐड करें या ना करें आपको ये बता देना कमेंट बॉक्स में, कितने आपके नंबर आए हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको कॉन्सेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास सब आपको विद व्हाइट बोर्ड के साथ मिलने वाली है, तो कल का बैठ करिए। और जो आपकी जो चल रही जो सीरीज चल रही है मतलब फुल प्रैक्टिस सेट, मैं आपको संडे और सैटरडे को दो दो एक एक या दो दो करवाता ही रहूँगा, तो ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना, केमिस्ट्री में आप 18 क्वेश्चंस करके ही आएंगे अगर आप मुझसे तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।